नमस्कार साथियों, आज मैं ELPS का मतलब पढ़ाने जा रहा हूँ। ELPS क्या है, इससे क्या होता है, इसको ध्यान में रखने से ये गणित सिखाने का एक महत्वपूर्ण क्रम है। चलिए जानते हैं ELPS क्या है। तो साथियों देखिए, यदि आपके पढ़ाने पर आपके छात्रों में निम्न समस्याएं आती हैं, क्या आपके छात्रों को गणित की अवधारणा समझने में समस्या आती हैं, क्या आपके छात्र गणित में रटकर प्रश्न हल करते हैं, क्या आपके छात्रों के गणित में कठिनाई होती है, यदि आपके इन प्रश्नों का हल हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक सिद्ध होगा। इसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते। गणित क्या है, ये केवल गणना करना नहीं है बल्कि ये महत्वपूर्ण शास्त्र भी है। देखिए ELPS क्या है, पहले मैं इसको परिभाषा बताता हूँ फिर व्याख्या सहित बताऊँगा। ELPS क्या है साथियों, LSRW ये भाषा सीखने का क्रम है, ये मेरी मिशन प्रेरणा में, यानी आपको ELPS LSRW ये हिंदी भाषा मतलब यानी कोई भी भाषा सीखने का क्रम है, बहुत अच्छा क्रम है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है ये सब आपको मेरी मिशन प्रेरणा की उसमें मिल जाएगा। इससे पहले मैंने इरैक बताया, ERAC के क्या है उसका फुल फॉर्म बताया, व्याख्या बताया। चलिए ELPS के बारे में हम जानते हैं। तो ELPS के बारे में जानते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में छोटे बच्चों के संदर्भ में प्रारंभिक कक्षाओं में छोटे बच्चे के संदर्भ में यह क्रम विशेष उपयोगी है। ठोस वस्तुओं से अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है, बच्चा स्वयं कुछ करते हुए अनुभव करता है, बच्चे को सभी इंद्रियों के प्रयोग का अवसर मिलता है। जब बच्चा अपने अनुभव और कक्षा के अनुभव में विरोधाभास होता है तो उन्हें अमूर्त विचार ग्रहण करने में मुश्किल होती है। ठीक है, ELPS E4 एक्सपीरियंस, L4 लैंग्वेज, P4 पिक्चर, S4 सिंबल। चलिए कि जैसे आपका मैथ है यानी जीनियस मैथ में, आप जब बच्चा स्कूल में आता है माना कक्षा एक में आता है तो उसमें भी क्या करता है, बच्चा बहुत कुछ जानता है। क्या क्या जानता है बच्चा देखिएगा, बच्चा बहुत कुछ जानता है यानी छोटा बड़ा तुलना करना। आप देखते होंगे कि बच्चे को थोड़ा सा कुछ दिया जाता है, एक यानी दो हिस्सा कर दीजिए किसी सेब के, तो एक बच्चे को बड़े दे दीजिए एक छोटा दीजिए, जिसको छोटा मिला है वो दुखी हो जाएगा, लड़ने लगेगा कि मुझे छोटा दिया है, लेकिन बड़ा वाला हंसने लगेगा और वो खुश हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है बच्चा यानी छोटा बड़ा, बच्चा क्या जानता है, छोटा बड़ा जानता है, तुलना करना जानता है, ठीक है, कम या ज़्यादा जानता है, ऊपर नीचे जानता है। तो इसका मतलब है बच्चा गणित ये नहीं कह सकते हैं बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, बच्चा छोटा बड़ा जानता है, तुलना करना जानता है, ऊपर नीचे जानता है, दाएं बाएं जानता है, ठीक है, और बच्चा काउंटिंग भले ही ना कर पाए लेकिन ये जानता है कि कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से गर्भ काउंट कंपेयर यानी बच्चा काउंट कर लेता है और कंपेयर कर लेता है कौन ज़्यादा है कौन कम है कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन। एक बार इसका हम करते हैं यानी E4 एक्सपीरियंस, L4 लैंग्वेज, P4 पिक्चर, S4 सिंबल। चलिए इसकी थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं, ये सब क्या है इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। तो यानी E4 एक्सपीरियंस यानी ठोस वस्तुओं के माध्यम से हम उनको एक्सपीरियंस कराएंगे, यानी क्या है, एक चाक दिखाएंगे, एक डस्टर दिखाएंगे, मान लीजिए एक को हमें क्या करना है, एक को दिखाना है तो क्या करेंगे, एक डस्टर दिखाएंगे, एक चाक दिखाएंगे, एक पेंसिल दिखाएंगे, घर में पूछेंगे तुम्हारी मम्मी कितनी है, तुम्हारे पापा कितने हैं, तुम्हारे भाई कितने। तो इस प्रकार से बच्चा चाहे वो एक भी दिन नहीं पढ़ना आया हो लेकिन फिर भी एक दो गिनती
जानता है। अब क्या है, हमें केवल वो जानता तो है, एक दो तीन चार पाँच भी जान सकता है, लेकिन हमको बताना है कि जो उसका एक का प्रतीक क्या है। अब इसको हम वार्तालाप के माध्यम से सिखाएंगे, वार्तालाप के माध्यम से ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय बच्चों से वार्तालाप करेंगे, यानी उनको पहले क्या है, ई था एक्सपीरियंस, यानी उस बच्चों को दिखा रहे थे हम ठोस वस्तुओं को, लेकिन अब बच्चों ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय बच्चों को वार्तालाप करेंगे, यानी हम उनसे बातचीत करेंगे, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, यही बातचीत करेंगे कि बच्चा ये कितना है, ये वही। अब उनको बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, अब हम उनको क्या है, पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है, क्या दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, जंगल का, सेड का, पहाड़ का, ये सब पिक्चर दिखाएंगे। तो पहले उनको हम अनुभव के आधार पर दिखा रहे थे, अब हमने उनको क्या है, संबल में बदलना है, माना कि एक एक करके पूछा, तुम्हारी मम्मी कितनी है, तुम्हारे पापा कितना है, एक डस्टर दिखाया, एक चाकू दिखाया, तो फिर उसको बताएंगे, बाबू जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है, एक है। अब हमने फिर उसके यदि दो का प्रतीक दिखाना है तो दो चिड़िया दिखाएंगे, दो ऊँट दिखाएंगे, है ना, बच्चे से कहेंगे, या कोई दो डस्टर ले लेंगे, दो चाक ले लेंगे, दो पेंसिल ले लेंगे, दो बच्चे दिखाएंगे, इस प्रकार से फिर कहेंगे कि इसको क्या कहेंगे, इस प्रकार की जो हो, दो की जब दो का चित्र हो, बहुत सारे दो के चित्र बताएंगे, बात करेंगे, तो फिर उससे कहेंगे बेटा इसको जब ये दो दो की आकृति होती है उसको ये संबल होता है, ये दो की आकृति होती है, इस प्रकार के उसके हम संकेत धीरे धीरे बताएंगे, ये नहीं है कि एक दिन में इसे का के पटक दे उसको, ठीक है। तो ये फिर जीरो की अवधारणा बताएंगे, प्लस की अवधारणा, माइनस की अवधारणा, गुणा की है, भाग की है, बराबर की है, ये सब अवधारणा बताएंगे। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए बच्चा एक में पढ़ रहा है, उसको दस तक की अवधारणा बतानी है, तो हम किस प्रकार से बताएंगे। देखिए साथियों करना क्या है हमको, मान लीजिए हमको पाँच तक की गिनती बतानी है या दस तक की गिनती बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुभव के आधार पर पूछेंगे कि वो एक को कितना महत्व दे रहा है, जैसे कि उसको एक चाक दिखाया, एक डस्टर दिखाया, एक मेज दिखाई, तो फिर उसको ऐसे दिखाते हुए क्या करेंगे, फिर उसको नाम देंगे, जब एक एक जान जाएगा तो उसको नाम देंगे, बेटा इसको एक कहते हैं, यानी ठोस वस्तुओं के माध्यम से संबल बता देंगे कि एक का संबल क्या है। उसके बाद एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में, चार दिन बाद फिर हम दो दिखाएंगे, दो दो के समूह दिखाएंगे, दो पुस्तकें, दो मेज, दो उंगली, दो पेन, ये सब दिखाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, ठीक है, यानी पहले तो अनुभव के आधार पर जो ये जानने की कोशिश करेंगे कि दो का जो समूह है उसको वो जानता है या नहीं, तो उसे दो उंगली दिखाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, और उनके आधार पर पिक्चर दिखाएंगे, बातचीत करेंगे, यानी पहले उसे अनुभव के आधार पर देखेंगे कि दो का वो महत्व समझता है या नहीं, तो दो उंगली दिखाएंगे, फिर उसको हम क्या है, वार्तालाप करेंगे, फिर दो उंगली दिखाएंगे, दो पिक्चर दिखाएंगे, दो डस्टर दिखाएंगे, दो पेन दिखाएंगे, तो फिर उसको क्या है, संबल के आधार पर दो दिखा देंगे कि बेटा ये जब दो का समूह होता है तो क्या कहते हैं उसको, इस तो वो बच्चा समझ जाएगा कि ये दो ही है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद साथियों, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं, यदि आप मुझे उत्साहित करना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को एक दिन मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे क्या है, सेंड कर दीजिए। थैंक यू।